هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله हमारे शहर के दो नौजवानों की दो मुख्तलिफ कामयाबियों के सिलसिले में हैं कमाल फारूकी हैं। इनकी कामयाबी पर इनके 3 साल कोर्स करके बैरिस्टर बनने के सिलसिले में और दूसरे शेख जहूर खालिद जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मरेगांव यूनिवर्सिटी में सेनेट का इलेक्शन लड़ा और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र जनाब जावेद कुरैशी साहब और सारे मेहमान और मेरे भाइयों और दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट को, जो जावेद कुरैशी साहब ने कहा कि हम शहर के नौजवानों की हौसला अफजाई ऐसे प्रोग्रामों में करते रहते हैं। होप एक उम्मीद नज़र आती है कि आने वाली न्यू जनरेशन के लिए कि उनको भी ये समझ में आए कि हमको क्या करना है आगे जाके। तो ऐसी ऐसे ऐसे कामों से जो हमारी जनरेशन को एनकरेज करें वो काम हमको बेशक करते रहना चाहिए। जावेद कुरैशी साहब ने कहा कि यहाँ पे पॉलिटिकल बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं एक थोड़ी सी एक पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात करूँगा कि आज के दौर में जहाँ पे हमारे यूथ ने, मैं देखता हूँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कि जहाँ पे जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं, जो हमारी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है या हमारी जो पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग है या फिर हमारी पॉलिटिकल सपोर्ट है, उस चीज़ को आजकल उन हमारे स्टूडेंट्स ने एक पर्सनल एनिमिटी या पर्सनल दुश्मनी, जो पहले पॉलिटिकल डिफरेंसेस है उसको पर्सनल दुश्मनियों के तौर पर लेना शुरू कर दिया है। हम लोग ये भूल चुके हैं कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अपनी तरफ है, हमारे रिश्ते अपनी तरफ है और हमारे जो जज्बात हैं, हमारी मोहब्बतें हैं वो अपनी तरफ है। ये हमारे यूथ को आज याद रखना चाहिए। आज हमारी जनरेशन, हमारी जो कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी को टारगेट रखते हुए हमारी कम्युनिटी के रिक्वायरमेंट क्या है, ये हमारे हमारे आदमी से बेहतर वहाँ कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो इस टारगेट से लेके एक हमको स्टडी करनी होगी। जैसा हमने पिछले 10 सालों में स्टडी किया कि यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस होते क्या है, इलेक्शन लड़ने से पहले हमने ये कैलकुलेशंस किए, पिछले स्टैटिस्टिक्स देखे कि इलेक्शंस होते कैसे, ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट किस तरह किए जाते हैं और इस इलेक्शन में हम किस तरह, जो हमारा मिनिमम अमाउंट ऑफ वोटर है इसको हम किस तरह पॉजिटिवली कन्वर्ट कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट के हर यूनिवर्सिटी को टारगेट करें तो ये दिन दूर नहीं कि हर यूनिवर्सिटी में हमारे रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे। आज बड़ी अफसोस की बात है कि इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ के इलेक्शंस हो चुके हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक लौता ग्रेजुएट हूँ जो रिप्रेजेंट कर सकती है स्वामी रामानंद तीर्थ, वहाँ पे कोई नहीं है। तो हम इस चीज़ को टारगेट करें और इस चीज़ को हमें टारगेट करना है, लेकिन अपने पॉलिटिकल व्यूज़ और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर। पीछे जाओ, जब हम ये चीज़ छोड़ के, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और पॉलिटिकल टारगेट छोड़ के जब हम किसी क्या बोलते हैं हम उसको, अच्छे काम में, एक अच्छी नीयत से किसी काम में आएंगे तो इंशाल्लाह हमको उसके रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। मुझे जावेद कुरैशी साहब ने कहा कि पिछले 5 सालों की आपकी कारकर्दगी यहाँ पे बयां होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन मैं अपने मुंह मियां मिट्टू यहाँ पे नहीं बनना चाहता, तो आप सबको पता है, लेकिन कुछ काम है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम आने वाले दौर में ज़रूर करेंगे। जैसे कि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे पास कुछ डिपार्टमेंट्स थे यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे 5 लैंग्वेजेस हैं, उर्दू, हिंदी, मराठी, पाली, बुद्धिज़्म, इन डिपार्टमेंट्स के अंदर हमने ये देखा 5 सालों में कि इनका एडमिशन का रेशियो जो है वो बहुत कम हो रहा है।
और उसका रीज़न ये था कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पे आके पढ़ रहे हैं उनको उस चीज़ का एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो रहा है, जो स्टडी वो कर रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ये कन्वर्जन नहीं होने के बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें से एक रीज़न ये है कि आज के दौर में हमने डिग्री हासिल करने को इक्वेलेंट मान लिया है इल्म हासिल करने से। डिग्री हासिल करना इल्म हासिल करना नहीं होता, जिसके पास इल्म है हो सकता है उसके पास डिग्री ना हो, क्योंकि उन सब्जेक्ट्स वो जो पढ़ा रहे थे उसका जो पैटर्न था, उसका जो सेटअप था, वो आज के जो एम्प्लॉयमेंट के रिक्वायरमेंट से उससे बहुत अलग था। तो हमने कोशिश की कि वो सब्जेक्ट्स के अंदर हम न्यू टेक्नोलॉजी को कुछ ऐड करें। हम कंप्यूटर को ऐड कर सकते हैं क्या, जैसे कि नूर रस्ते साहब जब बोर्ड ऑफ स्टडीज़ पे गए तो उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स ऐड किए थे। मेरे वालिद कमाल फारूकी साहब इस प्रोग्राम में जिसका हम इस्तकबाल साथ कर रहे हैं, मेरे बड़े भाई जहूर भाई, खालिद सैफुद्दीन साहब, औरंगाबाद टाइम्स के चीफ एडिटर जनाब शोएब खुसरो साहब, हमारे कॉलेज के, जब मैं आज़ाद कॉलेज में पढ़ रहा था उस वक्त के प्रिंसिपल और आज वुमेंस कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब डॉक्टर मखदूम फारूकी साहब, स्टेज पर बैठे तमाम मौजूद मेहमानान, अबू बकर अहबर साहब, यहाँ पर मौजूद तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ने मुझे एक कामयाबी अता की कि मैं आप तमाम के दरमियान बैरिस्टर की डिग्री लेकर, वहाँ की तालीमात लेकर आप तमाम के दरमियान मौजूद हूँ। और उसके बाद मैं मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के सदर जनाब जावेद कुरैशी साहब और उनकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे, जहूर भाई को यहाँ पर मदू किया, इस्तकबाल किया और हमारी हिम्मत अफजाई का ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा। आज जिन हालात से हम तमाम गुजर रहे हैं, इन हालात में हमारे नौजवानों को उनकी हिम्मत अफजाई करके और उनको हम किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं, ये मुहिम जावेद कुरैशी साहब और उनकी टीम हमेशा से करते आ रही है। मैं उनकी काम और आपकी हिम्मत अफजाई से हम जैसे नौजवानों को हिम्मत मिलती है कि हम हमारी कौम और मिल्लत के लिए काम करें। मैंने अपनी तालीम के मैदान में जब मैं पढ़ रहा था, मैंने बीबीए, जैसा रहबर साहब ने, अबूबकर रहबर साहब ने कहा कि मैंने बीबीए किया, एमबीए किया, टीवी जर्नलिज्म किया, मैंने एक न्यूज़ चैनल में काम भी किया कुछ वक्त, और जब मैंने लॉ की डिग्री ली तो मेरा लॉ की डिग्री लेने का मकसद ये था कि मैं जब 10th पास किया था तो मेरे वालिद कमाल साहब ने मुझे पीएन अवस्थी की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ला कर दिया और कहा कि बेटे तुम ये पढ़ना शुरू करो। वो 10वीं पास करने के बाद जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहा था, उसका प्रियम्बल पढ़ रहा था, तो मुझे ये महसूस होता था कि हमें अगर अपने इख्तियार, हमारे राइट्स, हमारे ड्यूटीज़ अगर मालूम हो तो हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन किस तरह बन सकते हैं, इस पर एक बहुत बड़ी मदद होती है। इसीलिए जब मैं औरंगाबाद में, जब मैंने मानिकचंद पहाड़े लॉ कॉलेज से लॉ किया, तो लॉ जब मैं कर रहा था तो मुझे, मैंने कई जजेस के सामने अपनी आर्ग्यूमेंट्स पेश की, तो मुझे ये चीज़ महसूस हुई कि जब कोई लॉ की फील्ड में एडमिशन लेता है, जब वो लॉयर बनता है, एडवोकेट बनता है, तो उसका जो सोचने का नज़रिया है वो बदलता है। वो सोसाइटी में जो सोसाइटी के मामलात है, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स है, उसको अच्छे तरीके से समझकर उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, वो एक अच्छा वकील, अच्छा लॉयर, अच्छा एडवोकेट, अच्छा बैरिस्टर करता है। मैंने महात्मा गांधी को पढ़ने की कोशिश की, मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने की कोशिश की, और तमाम जो हमारे लीडरान थे उनको पढ़ा, तो उन सब में मुझे एक कॉमन चीज़ लगी, वो ये थी कि वो उन सब के पास बैरिस्टर की डिग्री थी। तो मेरा मकसद ये था कि इन्होंने जो बैरिस्टर की तालीम हासिल की, तो ये ऐसी क्या चीज़ थी जिससे हिंदुस्तान को, सोसाइटी को उन्होंने चेंज करने का काम किया। और जब मैं यहाँ से, मैंने अहद किया कि मुझे जाकर पढ़ना है, बैरिस्टर की तालीम लेना है, तो मुझे मेरे वालिद साहब के अल्फाज याद है,
कि उन्होंने मुझे कहा था कि बेटे तुम जा रहे हो तो इस अहद से जाना कि तुम वापस आकर यहाँ कौम की खिदमत को अंजाम देंगे। मुझे जहूर भाई ने जिस तरह अभी कहा कि आज के हालात में कई लोग कहते हैं कि बाहर जाइए, आपको अपॉर्चुनिटीज है, आपके पास सिटीजनशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज है, आप अपने काम करिए, माशी तौर पर भी यूके में भी बहुत अच्छे हालात हैं। लेकिन मेरा मकसद ये था कि मैं अपने अवाम के बीच वापस आऊँ, कौम की खिदमत किस तरह अंजाम दे सकता हूँ उस पर काम करूँ, क्योंकि आज इस मुल्क को अच्छे लॉयर्स की, अच्छे एडवोकेट्स की ज़रूरत है। और इन हालात में किस तरह हम कौमी मिल्लत के काम कर सकते हैं, हमारे पास एसएस खाजी साहब है जो अपना काम अंजाम दे रहे हैं। मैंने जिस तरह अबूबकर हैबर साहब कह रहे थे कि बहुत पहले से उन्होंने मुझे देखा, यहाँ ये इस हॉल में बैठे कई लोग हैं जिन्होंने मुझे बचपन से मेरे सफ़र को देख रहे हैं। यहाँ पर यहिया साहब है, खाजी अपने शमीम साहब है, गजनफर जावेद साहब है, यहाँ पर तमाम दानिश्वर जो यहाँ बैठे हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत करीब से देखा और मेरी तरबियत इन लोगों के करीब हुई। मैंने इनके ख्यालातों को जो सुना तो मेरा मकसद यही था कि मैं अपने अवाम को, अपनी कौम को, अपने मुल्क और अपने राज्य को किस तरह फायदा पहुंचा सकता हूं। आज औरंगाबाद शहर के लिए बड़ा खुशी का मकाम है कि इस शहर के दो नौजवान जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में बेहतरीन कामयाबी हासिल की, वहीं पे मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट ने ये कोशिश की जो हर वक्त से मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट जो है ये करती आ रही है कि औरंगाबाद शहर में जो भी लोग अपनी फील्ड में कारनामा अंजाम देते हैं उन तमाम लोगों का मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस्तकबाल करता है। और आज का इस्तकबाल इसलिए ज़्यादा मेरे लिए बहुत करीब है कि इन दो नौजवानों के वालिद जो हैं, मैं उन दोनों लोगों के बहुत करीब रहा। तो ये दो नौजवानों के वालिदों की जो है तरबियत ये बच्चों को रही है वो बहुत काबिल सताइश है, क्योंकि मैं देखता था अक्सर कमाल वही के साथ जब हमारी मुलाकात होती थी और बैठक होती थी तो उम्र की जो फरमाबरदारी है वो बहुत कम मैंने नौजवानों में देखा कि वो अपने वालिद की इतनी फरमाबरदारी करता है वो बच्चा। और उसके बाद मेरे को लगता है कि उसके वालिद की, उसकी वालदा की दुआ भी उसके साथ है कि आज उन्होंने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। लेकिन मेरे को उस वक्त ये भी बुरा लगता है, एक इतनी आला तालीम हासिल करने के बाद कमाल भाई बहुत छोटा छोटा काम उससे लेते थे। मेरी ख्वाहिश थी कि अब उसके आगे जो है एक बैरिस्टर की डिग्री लग गई, तो अब मैं कमाल भाई को ये कहूँगा कि कमाल भाई अब उससे छोटा काम ना लीजिए, क्योंकि अब वो बड़े काम का बच्चा हो चुका है। उसी तरीके से खालिद सैफुद्दीन साहब, उन्होंने जिस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत की है और मैं जितना उनके ऑफिस पे बैठा हूँ और देखा हूँ, मुझे नहीं लगता कि उनके बच्चे जो है, और अपनी नेमतें जो अल्लाह ने तुमको इतनी दी है उसमें से खर्च करो ताकि तुम जो है तो जो है कामयाबी हासिल करोगे, अल्लाह की खुशनदी हासिल करोगे। तो हारून ने कहा कि कौन कहता है कि ये अल्लाह के फजल से मुझे मिली है, ये तो मेरी अपनी सलाहियतें, अपनी मेहनत और मेरा इल्म और मेरा हुनर और मेरी काबिलियत, ये सब चीज़ें जो है तो उसने मुझे ये मुकाम अता किया है। तो ये जो गुरूर और तकब्बुर कि ये मेरी सलाहियतें, मेरी मेहनत और मेरी जो है तो ये सब कमाई है, ये चीज़ से भी दूर रहने से अल्लाह ताला जो है तो बुलंदी तक पहुंचाता। ये दो बच्चों में ये खसूसियत भी है कि वो कहते हैं कि जो कुछ है ये सब अल्लाह का करम और फजल है। और जो है तो मेरी अपील ये है कि नौजवानों को कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा पढ़ाइए और उनके दिलों में उतरने दीजिए, फिर देखिए कि वो जो शाहकार है अल्लाह की जानिब से उतरा हुआ वो बेशुमार जो है जहूर पैदा करेगी, बेशुमार उमर फारूकी पैदा करेगी,
और बेशुमार ऐसे हुनरमंद बच्चे पैदा किए। लेकिन उसी उन्हीं अंग्रेजों की हुकूमत में बरतानिया जैसे मुल्क में पहुंचकर बैरिस्टर इन लॉ जो आला तरीन कानून की सनद है, डिग्री है, वो ओवर ने हासिल की। जहूर खालिद पेशे से इंजीनियर, इंजीनियरिंग में तहकीकी मकाला मुकम्मल कर रहे हैं। लेकिन आप जहूर को देखिए, उनके आदात उत्वार, उनका मिलना जुलना, उनके तौर तरीक़े, किसी जाविये से वो नहीं लगते कि अंग्रेज़ी तालीम के परवरदा हैं। ये कदरें ख़ानदानों से मिलती, लमसुस हाथ का, बच्चों की हंसी, माँ की दुआ, ये जो तोहफे हैं फ़कत घर से मिला करते हैं। मुझे बेइंतहा मसरत है, वक्त काफ़ी हो चुका है, मुझे बेइंतहा मसरत है कि जावेद साहब ने इन बच्चों की पजीराई, इनकी तहरीत में इतना अजीम शान जलसा तय किया और उनकी पजीराई के साथ साथ एक पैगाम भी हमारे माशरे को दिया कि हम जब तक अपने बच्चों की पजीराई नहीं करेंगे, अपने बच्चों की हौसला अफजाई नहीं करेंगे, उनकी मेहनतों की, उनकी कामयाबियों पर उनकी पीठ नहीं थपथपाएंगे, वो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे।